तो लास्ट लेक्चर में हम ये एक एनिमेशन देख रहे थे जिसमें कि जो फर्स्ट वाला अगर सेंटेंस है तो वो हाईलाइटेड मतलब हाईलाइटेड रहेगा, और जब सेकेंड वाले हम सेंटेंस पे आएंगे तो फर्स्ट वाला ब्लैक हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले सेंटेंस पे आता हूँ तो जो है सेकेंड वाला भी ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम एनिमेशन देख रहे थे। हम एक बार और इसको मैं बता सकता हूँ, तो इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट आपने देखा ये वाला, इसमें एनिमेशन मुझे देना है तो अपियर एनिमेशन मैंने किया। सिमिलरली सेकेंड जो है उसमें भी अपियर, थर्ड में भी अपियर मैंने एनिमेशन लगाया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे आप। यहाँ से इसे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट ऑप्शंस यहाँ आपको दिखाई देगा, और यहाँ जो आफ्टर एनिमेशन जो आपको दिखाई देगा, ये जो आफ्टर एनिमेशन दिखता है, आफ्टर एनिमेशन में जो डॉन डीम है, डॉन डीम की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्लैक जो है वो कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आफ्टर एनिमेशन के बाद में इसका कलर कौन सा होगा। जो व्हाइट अभी आपको दिखाई दे रहा है, एनिमेशन के बाद इसका कलर ब्लैक हो जाए। और भी कलर आप दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस पे हम जाएंगे, डॉन डीम की जगह ब्लैक, ठीक। सिमिलरली थर्ड वाला में भी हम वही करेंगे, तो डॉन डीम की जगह ब्लैक। अब हम इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप देखेंगे इसे, देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, जब सेकंड पे आया तो फर्स्ट वाला ब्लैक हो चुका है और सेकंड जो है वो आपका व्हाइट है। सिमिलरली थर्ड पे आता हूँ तो दोनों ब्लैक हो गए और ये आपका थर्ड जो है वो व्हाइट हो गया। इस तरह से आप जो है पॉइंट्स को बताने के लिए ये चीज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं कोई पॉइंट समझा रहा हूँ तो ये आपका हो गया। फिर सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में आया हूँ तो सेकेंड पॉइंट पे हम हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट हो गया, थर्ड सिमिलरली इस तरह से। तो ये एक काफी अच्छा एनिमेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इस एनिमेशन के बाद मैं जो है आपको इसमें हैंड रिटन एनिमेशन जो है वो किस तरह से दिया जाता है, जैसे ये इफेक्ट है इसको मैं प्रीव्यू करके बताता हूँ पहले। जैसे ये है, ये एक तरह का एनिमेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हैंड रिटन एनिमेशन है, इसको आप कैसे यूज करते हैं इसको हम देखेंगे। मैं इसमें केवल अभी एक सेंटेंस को ले रहा हूँ, उससे इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, कंट्रोल भी। तो ये टेक्स्ट जो है इस पर मुझे एनिमेशन देना है, तो इसके लिए आपको इसको कौन सा फॉन्ट देना होगा, जो हैंड रिटन टाइप जो फॉन्ट है उसको मुझे देना होगा। तो ये ब्रेडली हैंड आईटीसी, ये एनिमेशन इसमें अच्छा दिखता है तो इसे हम यूज करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे हम कि ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम एनिमेशन देंगे। तो आपको क्या करना होगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको हैंड रिटन इफेक्ट देना है, तो एक हैंड रिटन का जो इमेज है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप लिखेंगे हैंड रिटन इमेज, इस तरह से आप लिखेंगे तो वहां मिल जाएगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी है ये यहाँ पर, तो मैं इससे कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी। अगर आपको ये चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा, और यहाँ एनिमेशन जो है इसका हटा देता हूँ मैं, एनिमेशन मैंने हटा दिया है। अब आप देखेंगे ये इस तरह से सेंटेंस आपको बनते हुए दिखा दे, छोटा कर देता हूँ थोड़ा तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो ये जो है टोटल मिला के इस तरह से आपको दिखाना है कि ये लिखते हुए जो है आपका वन लेटर, वन बाय वन लेटर आपका चलते जाए, और उसके साथ में ये हैंड भी उसके साथ में कोऑर्डिनेट में हो। तो ये हमें करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें ये जो लर्निंग आपने लिखा है इसको हमें एनिमेट करता है। इसको एनिमेट कैसे करेंगे आप, एनिमेशन में जाएंगे, फेड एनिमेशन को इसको यूज करेंगे आप। फेड एनिमेशन आया, फेड एनिमेशन में आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस पे हम जाते हैं, और लेटर आपको करना है मतलब लेटर बाय लेटर चाहिए तो बाय लेटर इसको कर देंगे, और इसके पीछे जो डिले है उसको हम 100 करेंगे।
ये याद रखेगा, इसको डिले को मैं 100 करूंगा, और एनिमेट टेक्स्ट जो है इस पर मैं जाऊंगा, ये एनिमेट टेक्स्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एनिमेट टेक्स्ट पे जाऊंगा और उससे 100 कर दूंगा। तो ये मुझे करना है यहाँ पर। फिर अब क्या करेंगे इसमें, इसे ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे ये इस तरह से सेंटेंस चलेगा। तो मतलब लेटर बाय लेटर आपको यहाँ आपको दिखेगा ये सेंटेंस। अब मुझे हैंड को कोऑर्डिनेट करना है इसके साथ, तो इसको हम इस तरह से बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम मोशन एनिमेशन का यूज करेंगे। तो देखिए मोशन एनिमेशन क्या होता है, यहाँ पर मोशन एनिमेशन में कस्टम पाथ हम देंगे। तो जिस तरह से आप उसको ले जाना चाहेंगे, जहां पे भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं, उस तरह से कस्टम एनिमेशन जो मोशन पाथ है वो यूज हो जाएगा। जैसे ये है, जैसे मैं इस तरह से कर लूंगा, ऐसे ये हो गया। तो ये यहाँ आप स्केप कर दीजिएगा, तो ये देखिए इस तरह से चलते हुए दिखाएंगे। मोशन एनिमेशन इसके लिए यूज करना है, मोशन एनिमेशन यूज करेंगे। अब आपको मैं प्रीव्यू करके बताता हूँ तो होगा क्या। देखिए ये एक तो लेटर भी जो है अलग तरह से चले, और साथ में हैंड भी कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। तो हैंड का पहले कोऑर्डिनेशन आप सही कर लीजिए। देखिए लेटर आपके पूरे आ चुके हैं, लेकिन आपका हैंड वही है। उसके लिए आप, अगर मैं ये करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आएगा, लेकिन अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके कोऑर्डिनेशन सही रखने के लिए मुझे जो सेकेंड वाला जो है उसको मुझे विथ प्रीवियस करना होगा। अब विथ प्रीवियस करने पर क्या होगा, दोनों जो है वो एक साथ चलेंगे। अभी देखते हैं हम किस तरह से, लेकिन यहाँ फिर भी प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन अभी भी सही नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, कि आपने देखा स्टार्टिंग और लास्ट में, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग और लास्ट में जो है डिले दिख रहा है आपको। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस में मैं जाता हूँ, तो ये जो आपको दिखा है स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड, इसको सबको आप 0-0 कर दीजिए। अब देखेंगे आप कोई डिले नहीं है स्टार्टिंग में और लास्ट में भी। क्या अभी भी आपको ये सही दिख रहा है? नहीं, हाथ अलग जा रहा है, सेंटेंस जो है वो बाद में आ रहे हैं आपके, लेटर जो है बाद में आ रहे हैं, थोड़ा इसको आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि लेटर जो है, जितने लेटर है उनको आप गिन लीजिए। तो तीन तीन छह और दो आठ, आठ लेटर है। तो आठ लेटर मतलब क्या है कि हर एक लेटर के बीच में जो टाइमिंग है वो 0.5 सेकंड का है, यहाँ आप देख सकते हो ये ड्यूरेशन। तो 0.5 सेकंड में दूसरा लेटर आता है, सिमिलरली 0.5 में अगले 0.5 में अगला लेटर आता है। तो सिमिलरली अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ टोटल, तो ये आठ लेटर है। तो आठ लेटर को यहाँ से स्टार्टिंग से और लास्ट तक आने में जो है वो 0.5 सेकंड का अगर डिले होता है एक लेटर के बीच में, तो टोटल मिला के 4 सेकंड में ये पूरी ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा ये लेटर। तो 4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो हैंड है उसको भी मैं 4 सेकंड का डिले दूंगा, यहाँ पर 4 सेकंड का ड्यूरेशन दूंगा, सॉरी। तो ये मैंने 4 सेकंड का ड्यूरेशन दे दिया। अब आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन केवल आपको हैंड और लेटर का आपको बनाना पड़ेगा, बाकी ये ऑलमोस्टली सही है। थोड़ा सा इसको आप फिर यूज करके देखो, थोड़ा ये जो हैंड है वो लेटर से कोऑर्डिनेट नहीं है, थोड़ा उसको हम कर लेंगे, ये सेटिंग हमें करनी होगी। थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हैंड को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा और इसको हम नीचे लेके आते हैं, और देखिए काफी हद तक सही है, काफी हद तक जो है ये एक अच्छा एनिमेशन दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे ये अब काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हैंड रिटन एनिमेशन को आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अट्रैक्टिव लगता है जब हम ये एक ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग हमें देता है। तो ये हैंड रिटन एनिमेशन जो है इस तरह से यूज करना है। इसका किस तरह से ये यूज होगा, इसका मैंने पूरा एक बता रखा है, यहाँ पर एल्गोरिथम बता रखा है कि यहाँ से किस तरह से ब्रेडली आई टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे देंगे, फिर हैंड रिटर्न इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे। तो ये एनिमेशन जो है वो हैंड रिटर्न एनिमेशन है। अब इसके बाद में एनिमेशन ऑन ग्राफ, ग्राफ में एनिमेशन कैसे देंगे,
तो ग्राफ में एनिमेशन देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी स्मार्ट आर्ट लेते हैं उसमें एनिमेशन कैसे लगाते हैं, स्मार्ट आर्ट में एनिमेशन कैसे लगाएंगे। तो हमारा टॉपिक है स्मार्ट आर्ट में एनिमेशन कैसे लगाएंगे। आपने ये देखा, हमने कुछ स्मार्ट आर्ट लिए थे पहले भी, ये एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, एंड फिर एक बार और मैं इसे बताना चाहूंगा। देखिए, ये एक स्मार्ट आर्ट मैंने लिया है, मैं फिर से लेके आपको बता देता हूँ। स्मार्ट आर्ट कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट, यहाँ सर्कल आपको लेना है तो ये सर्कल ले सकते हैं आप, ये सर्कल आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं सर्कल। यहाँ कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप यूज कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दिया। अब इसमें आप टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, जैसे इस तरह से टेक्स्ट आप लिख देंगे, कि जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ लिख देंगे। अब इसको आपको एनिमेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे अनग्रुप करना पड़ेगा। तो अनग्रुप कैसे करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे आप इस पर, इस पर ये जो पूरा एनिमेशन जो ग्रुप हुआ है इसमें अनग्रुप कर दीजिए आप इसे, अनग्रुप किया। अब अनग्रुप करने पे क्या होगा कि ये क्या सेपरेट हुए हैं, नहीं अभी भी सेपरेट नहीं हुए, तो यहाँ से आप अनग्रुप कीजिए इसे, अनग्रुप। अब देखेंगे जब अनग्रुप होंगे तो ये इंडिविजुअल अपने हो जाएंगे, इस तरह से अपने में ही ये आपका दिख जाएगा, ये और ग्रुप होगा तो ये पूरा एक बॉक्स आपको दिखेगा। अभी अनग्रुप थे तो सब अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली दिखे आपको। अब ये जो है इसमें आप एनिमेशन देना चाहेंगे तो एनिमेशन आप इसमें अपियर एनिमेशन करवाएंगे, तो अपियर या फिर इसमें हम जूम एनिमेशन दे देते हैं। जैसे देखिए जूम एनिमेशन आपने दिया, फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ वाइप एनिमेशन देंगे, तो ये वाइप से आप किस तरह का, इस तरह से एनिमेशन दे सकते हैं वाइप। देखिए ये काफी अच्छा लगेगा वाइप एनिमेशन। वाइप एनिमेशन के बाद इसे फिर जूम एनिमेशन देंगे हम, जूम एनिमेशन, फिर वाइप एनिमेशन इसे देंगे, वाइप एनिमेशन, सिमिलरली जूम एनिमेशन, जूम एनिमेशन आपने दे दिया, फिर वाइप एनिमेशन। तो इस तरह से जो है वो वाइप एनिमेशन, और वाइप एनिमेशन में इसको आप लेफ्ट राइट से स्टार्ट करेंगे तो ये कर दिया हमने। सिमिलरली फिर यहाँ पर आप जूम एनिमेशन, फिर वाइप एनिमेशन, और इसे हम टॉप पर, ठीक है, फिर जूम एनिमेशन, साथ ही इसे वाइप एनिमेशन। तो अब आप देखेंगे जब और लास्ट में इसमें एनिमेशन है, तो अब इसे हम प्रीव्यू करके देखते हैं, देखेंगे। देखिए ये घूमगा फिर इस तरह से, फिर ये तो ये काफी अट्रैक्टिव दिखता है इससे। तो स्मार्ट आर्ट में हम इस तरह से एनिमेशन दे सकते हैं। अब एनिमेशन जो है वो ग्राफ में किस तरह से देना है हमें वो देखेंगे। तो इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। देखिए ये हुआ इस तरह से ग्राफ, आप लाइव ग्राफ आपको ये दिख सकता है, लाइव मोशन करते हुए जो है आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, इसको मैं बना के बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में आप जाएंगे, इंसर्ट में शेप आप यूज करेंगे, आप कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी, ये आपने देख सकते हैं। और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इसको आपको अगर विड्थ इसकी बढ़ानी है तो विड्थ आप बढ़ा सकते हैं इसकी, सिमिलरली इसकी भी बढ़ानी है तो आप विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। और ये हमने किया, फिर टेक्स्ट बॉक्स हम लेकर इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे देंगे, इसको कंट्रोल डी कर लीजिए आप, और यहां पर वाई एक्सिस लिख लेंगे इसके, वाई एक्सिस हमने लिखा, और इसे हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट कैसे करते हैं हम,
अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे।